दोस्तों आज जो मैं आपके लिए YouTube चैनल लेकर आया हूं, इनके चैनल पर जो वीडियोस इन्होंने अपलोड की हुई है, इनकी हर एक वीडियो पे मिलियंस में व्यूज है, वो चाहे लॉन्ग वीडियो हो चाहे शॉर्ट हो, हर एक वीडियो पे मिलियंस में व्यूज है। और वो चैनल फॉरेन कंट्री का चैनल है, इंडिया में ऐसे चैनल ना के बराबर ही हैं। लेकिन आपको ऐसा चैनल बनाना ही नहीं है, आपको अपनी वैल्यू ऐड कर बस फायदा उठाना है, क्योंकि अभी तक इंडिया में ऐसा किसी ने भी चैनल क्रिएट नहीं किया। तो वो चैनल कौन सा है, क्या नेम है, आपको क्या करना है, आपको कैटेगरी क्या सिलेक्ट करनी है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो चैनल ओपन कर दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको साइड पे देखना है, तो यहाँ साइड पे आप देखिए इस चैनल को मैंने ओपन किया हुआ है। इसका नेम है अलान बेकर। अलान बेकर इस चैनल का नेम है। 195 वीडियोस इसके चैनल पर अपलोड है, और इनके चैनल पर जो लॉन्ग वीडियोस हैं और जो शॉर्ट्स हैं, इनके व्यूज आप देखिए, इनके व्यूज कितने ज्यादा आ रहे हैं, हर एक वीडियो पे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। और इनका जो कॉन्टेंट है, आपको बताऊंगा, जो स्टिक एनिमेशन टाइप वीडियोस होती हैं वो ये बनाते हैं, स्टिक एनिमेशन वाली। तो आपको करना क्या है कि आपको बस इन्हीं की वीडियो को डाउनलोड करना है। इनके चैनल पर जो लॉन्ग वीडियोस हैं आपको उन्हीं को ही यूज करना है, ठीक है। एक वीडियो आप डाउनलोड करोगे तो उसमें से आपके 5-6 शॉर्ट बन जाएंगे। अब आपको इनका जब वीडियो आप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको अपनी वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू क्या ऐड करनी है, देखो मैंने अभी पिछली वीडियो में सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया था, बस आपको अपनी वैल्यू ऐड करनी है। या तो आप अपना वॉइस ओवर कर एक शॉर्ट बना सकते हो इनकी वीडियो को यूज कर, या आप इनकी वीडियो पर एक रिएक्शन देकर शॉर्ट बना सकते हो। तो इन दोनों में से आप कोई भी आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर इनकी वीडियो को यूज कर एक अच्छा खासा शॉर्ट बना सकते हैं। तो ये स्टिक एनिमेशन टाइप कंटेंट बनाते हैं, तो आपको इनके कंटेंट का फायदा उठाना है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा चैनल क्रिएट करते हो तो आपको अपने चैनल की कैटेगरी क्या सिलेक्ट करनी है, आपको अपने चैनल की कैटेगरी एंटरटेनमेंट सिलेक्ट करनी है, ठीक है। एंटरटेनमेंट सेलेक्ट करनी है कैटेगरी आपको अपने चैनल की। तो इस अलान बेकर चैनल से आप कंटेंट लीजिए जो अभी मैंने आपको बताया, इनकी लॉन्ग वीडियोस को डाउनलोड कीजिए, उसमें से आपको कट कर शॉर्ट्स के लिए क्लिप निकाल लेने हैं और अपना एक शॉर्ट बना लेना है। तो दोस्तों आई होप कि जितना मैंने आपको बताया वो आप समझ गए होंगे। और देखो अब मैं कुछ ज़्यादा बोलकर आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालूंगा, आपको सिंपल और स्ट्रेट वे में बता दिया कि आपको क्या करना है और कंटेंट कहाँ से लेना है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।